अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो आज हम बना रहे थे मैक्रोनी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए शूट करूं। तो सबसे पहले हमने मैक्रोनी को वॉश कर लिया, और ये मैक्रोनी एक पैकेट है। और उसके बाद हमने ऑयल गर्म करने रख दिया था। उसके बाद हमने सालन बनाने वाला एक चम्मच और ले लीजिएगा और ये बहुत अच्छी बनती है मैक्रोनी। उसके बाद हमने डाला इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच अदरक का पेस्ट और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट। और इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। और ये देखें, इसका कलर बहुत अच्छा कलर लग रहा था। उसके बाद हमने इसमें डाल दिए ऑनियन। ऑनियन हमने लिए एक बड़ी प्याज जो होती है वो लिए हमने, एक पैकेट था मैक्रोनी इसलिए हमने कम प्याज लिए, तो एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है हमने इसमें। और इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। और इसको ब्राउन नहीं करना है, डार्क, कहीं आप ज़्यादा डार्क ब्राउन कर दें, लाइट में छोड़ देंगे। उसके बाद हमने 2 से 3 बड़े टमाटर लिए हैं, उसमें हमने डाल दिए 3 से 4 हरी मिर्चें, और इसका भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और अब हम टमाटर को पकाएंगे। उसके बाद हमने इसमें डाला है 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच हमने डाला है इसमें ज़ीरा। यार प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें यार। उसके बाद हमने डाला है इसमें चिल्ली सॉस, वो भी मैंने थोड़ा सा दिखा दिया आपको। तो इसमें हमने ऐड करेंगे चिल्ली सॉस, वो आप जितना मिर्ची वाला खाते हैं इसके हिसाब से ले लीजिएगा। और ये हमने डाला है इसमें सोया सॉस, ये भी अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यार मुझे बताएं मुझसे क्या गलती हो रही है वीडियो में, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यार प्लीज़। और उसके बाद हमने इसमें कढ़ाई मसाला डाल दिया था जो हमारे पास रखा हुआ था, तो हमने सोचा वो भी डाल दें, इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने 2 चम्मच हमने इसमें कढ़ाई मसाला डाल दिया था, और इससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और प्लीज़ मुझे मेरी गलती बताइएगा और मेरी बातों को इग्नोर किया करें। उसके बाद हमने इसमें डाल दिए 2 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, क्योंकि हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला खाते हैं। और उसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून हमने नमक डाला, क्योंकि पहले भी हम नमक ऐड कर चुके हैं तो हमें कम लगा था। उसके बाद हमने इसमें नेशनल का केचप डाल दिया है, और केचप से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, आपको भगोने से पता चल रहा होगा। और ये हमने मैक्रोनी जो कि हमने बॉयल कर ली थी, और इसको जब हमने बॉयल किया था तो इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया था ताकि चिपके ना नहीं। और ये देखें, इसके बाद हमने इसको मसाले में ऐड कर लिया। ये देखें, मिक्स होने के बाद इसका कलर ही आपको बता रहा होगा कितनी मज़ेदार बनी है। मेरी तो बस दिल चाह रहा है दोबारा मिल जाए मुझे, क्योंकि मेरे, और बहुत अच्छी बनी थी यार। और ट्राई कीजिएगा यार, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी गलती है तो मुझे बताएं आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, कि मैं आपको शॉपिंग की वीडियोस दिखाऊं, अपने कपड़ों कलेक्शन दिखाऊं, या अपनी बैग्स कलेक्शन दिखाऊं, प्लीज़ मुझे बताएं, और या अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग दिखाऊं मैं। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है चिकन पाउडर, और इसमें मिक्स हर्ब्स और ओरिगानो भी डाला था मैंने, वो मुझसे क्लिप मिक्स हो गई। और ये देखें फाइनल लुक। और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।